साहब, तो प्यारे बच्चों को मेरा सुबह का नमस्कार। साथ ही संस्था में जिन बच्चों ने इसी सेशन में ज्वाइन किया है, वह मेरे साथीगण जिन्होंने इसी संस्था में इसी वर्ष ज्वाइन किए हैं, उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन और उनका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत। यहाँ मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से अधिकतर बच्चे जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मीन्स खेत खलियान वाले बच्चे हैं जिनके खेती बाड़ी का काम होता है। हम फील्ड में रहे 40-50 दिन, लगभग दो महीने के लगभग हो गए हम फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको ये सच्चाई ये बताता हूं कि हम जैसे किसी के घर पे जाते हैं तो वो इन घुड़ाक स्कूलों को देख के, इन 5-स्टार जैसे स्कूलों को देख के थोड़े से घबरा जाते हैं। उनको ये लगता है कि एक बच्चा पढ़ाएंगे या दो बच्चे यदि हम पढ़ाएंगे तो हमारे काफी पैसे खर्च होंगे उसमें, यानी उनकी औकात नहीं होने के बावजूद आज वो आपको यहां पे डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ में उनकी जो भी परिस्थितियां हैं वो अपने सपनों को तोड़कर, अपने जो भी उनके शौक हैं, जो आराम है, उनको छोड़कर वो आपको पढ़ाने के लिए यहां पे डालते हैं। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी परिस्थितियों को नहीं समझ पाते, ये बहुत गलत बात है। आज या इस समय मान लो डेमो का टाइम चल रहा है, आप यहां डेमो लेने आ रहे हैं, लेकिन आप इतने काबिल हैं किसी टीचर का डेमो ले सके? आपका जन्म जब हुआ था ना उससे पहले से ये संस्था चल रही है, और इस संस्था में जो डेमो लेने वाले बच्चे वो किस चीज का डेमो लेंगे भाई? इसी के साथ में इस संस्था ने, इन इमारतों ने बहुत सारे इंजीनियर्स दे दिए, बहुत सारे डॉक्टर्स दे दिए, बहुत सारे IPS दे दिए, बहुत सारे IAS दे दिए, बहुत सारे IRS दे दिए, बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स भी दे दिए, बहुत सारे सेकंड ग्रेड के टीचर्स भी दे दिए, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी दे दिए, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी दे दिए, बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स भी दे दिए। यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जैसे मैं राकेश जी सर की बात करता हूँ फिजिक्स वाले सर, हरिराम जी सर की बात करता हूँ साइंस वाले सर, और राजेश जी साइंस सर की बात करता हूँ इंग्लिश वाले सर, इनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ और इन्होंने आज मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। आज आप इनका डेमो लेंगे, आप डेमो लेंगे, अरे मैं तो नालायक था, मेरे को भी यहाँ पे खड़ा होने लायक बना दिया, ये मेरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। 9th क्लास में हीराम जी सर ने मुझे पढ़ाया।